जिला पंचायत अध्यक्ष मुजफ्फरनगर श्री वीरपाल निर्वाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सांबली श्रीमती मधु गुर्जर जी, सपना कश्यप जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी और भारी संख्या में विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर मुजफ्फरनगर शामली से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां शाकंभरी के इस पावन धराधाम पर मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक कोने का जनपद है। अपनी हस्तकला, औद्योगिक गतिविधियों और कृषि के लिए जाना जाने वाला यह जनपद दशकों से मांग करता रहा था कि उनके पास अपना एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए, विकास के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए उनके पास कोई एजेंडा न होने के कारण उन्होंने इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। और यही कारण था, यहां पर कहीं पलायन होता था, कहीं दंगे होते थे, कहीं पर अराजकता चरम पर थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अराजकता का तांडव इस कदर था कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर ही बदरंग हो गई। आजादी के समय जो प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता था, वह प्रदेश पिछड़ते पिछड़ते बीमारू राज्य के रूप में गिना जाने लग गया। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक नहीं, देश के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। और सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर बनने वाला यह विश्वविद्यालय इसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले विकास के नाम पर बंदर बांट होता था, एक परिवार के विकास को ही प्रदेश के विकास का मानक मान लिया जाता था, जहां पर दसों वर्षों तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, जहां पर कभी मुजफ्फरनगर का दंगा होता था और कभी इसी सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकानों और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। कभी बिजनौर के दंगे, कभी बरेली के दंगे, और इन दंगों के कारण महीनों तक कर्फ्यू और तो और हमारी आस्था पर भी प्रहार होता था। सावन के महीनों में कहा जाता था कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, और जब कहीं पर हमारा व्यापारी कोई बेटी सुरक्षा की गुहार करती थी तो उस समय उसको अनसुना कर दिया जाता था। कौन नहीं जानता कि मुजफ्फरनगर दंगे के मुख्य आरोपी को उस समय की सरकार के द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास में सम्मानित करके बड़ी बेशर्मी के साथ प्रदेश के दंगाइयों के हौसलों को और भी दुस्साहसिक तरीके से बढ़ाने का कार्य किया गया था। कौन नहीं जानता कि सहारनपुर के दंगाइयों को लखनऊ में सम्मानित किया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों,
पिछले पौने पांच वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, प्रदेश में दंगा नहीं, कावड़ यात्रा हो या फिर होली और दीपावली, दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी के आयोजन, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। यही नहीं, 500 वर्षों का इंतजार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवार से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, आज देश सुरक्षित हाथों में दुनिया के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है और उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 2017 के पहले दिल्ली से सहारनपुर की दूरी 6 से 8 घंटे का समय लगता था, आज भाइयों बहनों इस दूरी को कम किया गया है, अब आप इस दूरी को 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा कर सकते हैं। ये कार्य पहले भी हो सकता था, इससे पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। जब हम लोग 17 में आए थे तब माननीय अमित शाह जी ने इस बात को कहा था कि किसानों के बारे में बहुत स्पष्ट नीति होनी चाहिए, गन्ना किसानों का समयबद्ध तरीके से भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में किया गया। भाइयों बहनों, चीनी मिलें आज चल रही है, चीनी मिलों का विस्तारीकरण हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र और प्रदेश सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार विकास के लिए, चाहे वह हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, मेट्रो हो या एयर कनेक्टिविटी की दिशा में जनता को अधिक से अधिक सहूलियतें दे रही है, विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का एक बेहतर वातावरण देकर के एक नए विश्वास का सृजन करने का प्रयास हुआ है और आज सहारनपुर में यहां की आस्था की प्रतीक मां शाकंभरी के नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। मां शाकंभरी ज्ञान शक्ति और ऐश्वर्य की महादेवी के रूप में इस क्षेत्र में पूजी जाती है और ज्ञान के देवी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 से इस विश्वविद्यालय के सत्र को प्रारंभ कर दिया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा शिलान्यास के साथ ही नोटिफिकेशन भी विश्वविद्यालय का जारी हो जाएगा और इसके साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 264 महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय से जोड़ करके लाखों विश्वविद्यालय की डिग्री जब जारी होगी उसके साथ मां शाकंभरी की फोटो होगी जो देश और दुनिया के अंदर ज्ञान शक्ति और ऐश्वर्य की प्रतीक मां शाकंभरी के प्रतीक के साथ साथ यहां की ऊर्जा, यहां की प्रतिभा और यहां के लोगों के पुरुषार्थ के प्रतीक के रूप में वह डिग्री जाएगी तो प्रदेश और देश के विकास को वैश्विक पटल पर ले जाने का कार्य करेगा। मैं विश्वविद्यालय स्थापना के लिए यहां पर उपस्थित होने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से जुड़े हुए अपने जनप्रतिनिधियों को इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सभी को इस अवसर पर कोटि कोटि बधाई देते हुए मैं एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय के मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को देता हूं विराम।
जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव के जीवन की सही पहचान उसकी शिक्षा से होती है, और आज जनपद सहारनपुर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पावन भूमि को शिक्षा रूपी अमूल्य उपहार सौगात के रूप में मिलने जा रहा है। अपने विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने नए क्षितिज पर होगा हमारा जनपद सहारनपुर। और आज 92 करोड़ रुपए की लागत से 50.43 एकड़ में विकसित हमारी माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके लिए शत शत प्रणाम करते हुए ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच